देख रहे हो कितना नीचा है, बहुत नीचा गहराई है। अगर गिर गया तो कितने दांत टूटेंगे यहाँ से। अरे भाई इंडिया नहीं लग रहा मुझे, लग रहा मैं स्विट्जरलैंड घूम रहा हूँ। स्विट्जरलैंड यार बोर्ड से ट्रेन जा रही है। अबे गई नहीं, नीचे गई नहीं। हे हाय हेलो वेलकम टू आरिफ 707 ब्लॉग्स। कैसे हाल चाल है गाइस, आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। तो गाइस फिलहाल अभी मैं हूँ बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन पर और आज हम जा रहे हैं सात ताल घूमने के लिए। सात ताल अभी जा रहे हैं, रास्ते में हैं, अभी दिखाएंगे सात ताल भी। तो फिलहाल अभी हम रास्ते में रुक गए हैं और एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर, और ये देखो अभी हम हैं यहाँ पे सिटी व्यू पॉइंट पे, और अभी हम यहाँ कुछ खाने के लिए रुक गए हैं रास्ते में। और देखो आज मेरे साथ साथ कौन जा रहा है, जीशान भाई, इनको तो आपने देखा ही होगा पेबल स्ट्रीट वाले ब्लॉग में साथ में थे। सारे व्यूअर पहले से जानते हैं हमारे। ये है सुमित भाई और ये है हिमांशु भाई। तो टोटल हम चार लोग जा रहे हैं आज, तो अभी फिलहाल यहाँ कुछ खाएंगे, कुछ खाने के लिए रुक गए हैं और उसके बाद चलते हैं सात ताल। क्यों भाई हिमांशु चलेंगे? चलो। फिलहाल गाइज हमने अपनी मैगी ऑर्डर कर दी है, अभी मैगी खाएंगे उसके बाद फिर सात ताल चलेंगे। गाइज इस टाइम पे मैं जिस जगह पे हूँ ना, सिटी साइबर पॉइंट पे, ये जगह बहुत ही मस्त है, बहुत ही ऑसम है, और यहाँ से जो भगवान का व्यू है वो देखिए यहाँ कितना मस्त आ रहा है। तो गाइज फिलहाल हमारी मैगी और चाउमीन आ चुकी है, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं और फिर हम सात ताल निकलते हैं। तो गाइज फिलहाल अभी हम मैगी वैगी हमारी फिनिश हो चुकी है, तो अभी हम यहाँ से सीधे निकलते हैं सात ताल के लिए। हो जाता चलें फिर वापस। हाँ यार सही बात है, अबे देख बारिश तो यहीं आ गई, बादल टकरा रहे हैं यहीं पहाड़ों से। तो भाई फिलहाल अभी हम भुट्टे खाने के लिए रास्ते में रुक गए हैं और अभी भुट्टे हमारे रेडी हो रहे हैं। क्या लग रहा है? मजा आ रहा है पप्पू? सही लग रहा है। चलो भाई गाइस तो भुट्टे भुट्टे खा लिए। तो गाइस फिलहाल अभी हम भीमताल ही पहुँचे हैं और भीमताल पहुँचे ही थे कि अचानक से बारिश आ गई, बहुत तेज़ बारिश होने लगी है। तो फिलहाल अभी हमें यहीं पर रुकना पड़ रहा है और अभी देखते हैं हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब सात ताल जाने का प्लान जो है वो कैंसिल हो चुका है क्योंकि सात ताल अभी भी यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है और अभी काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 4:30 बज रहे हैं, तो हमें लेट काफ़ी हो जाएगा घर वापस लौटने में। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि भीमताल में कुछ घूमने का है तो यहीं घूम के फिर वापस घर निकल जाएंगे। गाइस फिलहाल अभी हम भीमताल लेक पर आ गए हैं और ये देखो सामने ये रही भीमताल लेक जो बहुत ही खूबसूरत है, और आगे एक एक्वेरियम है, देखो अगर बनेगा तो वहाँ भी घूमने जाएंगे अभी। और ये जीशान भाई बहुत अपसेट लग रहे हैं, क्या बात जीशान भाई, कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो, सात ताल देखने को नहीं मिला इसलिए। कोई दिक्कत नहीं, ये भी सात ताल भी ऐसे ही है जैसा ये वैसी सात ताल है। हाँ भाई हिमांशु भाई अपसेट लग रहे हो क्या भाई, सात ताल नहीं जा पाए? अपसेट तो नहीं हो? ना ना। चलो ये लौंडा मस्त है भाई। हिमांशु भाई डर तो नहीं लग रहा है? बहुत नीचा है देखो, ये तो है ही। देख रहे हो कितना नीचा है, बहुत नीचा है, गहराई है। अगर गिर गया तो कितने दांत टूटेंगे यहाँ से? बप्पू भाई 3 बप्पू भाई के 38 दांत टूटेंगे। देख 38 दिख रहा है, हंसता नहीं रहा फिर से। एक्वेरियम तो ये रखा है यहाँ पे, ये देखते हैं एक्वेरियम देखेंगे ना। यार डर क्यों रहे हो, आ जाओ। हाँ जल्दी आओ फटाफट। गाइस ये देखो भाई ये क्या है, कोई बताएगा मुझे? इसका पूछना, इसका क्या किराया रहते हैं ब्रो? हेलो
ये क्या है, रेंट क्या है इसका? गाइस इसका जो फेयर है वो 200 पर पर्सन है। भैया इसकी टाइमिंग कितनी देते हो? 15 मिनट देंगे आप, ठीक है। अपने कितने लोग हैं? एक दो तीन चार, यानी हम चार कितने लोग हैं? चार दूनी 800 रुपये, 15 मिनट के 800 रुपये। अरे कैसा फील कर रहा है भीमताल लेके आके? मजा नहीं आया भाई। ये क्या पेंडल वाला? ऐसे ही देखते रहोगे या कुछ मतलब करोगे भी? करो फिर, कुछ नहीं करना। क्या करना चाह रहे हो? बोटिंग में चलते हैं यार। बोटिंग में? तो गाइस फिलहाल अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, तो हमारे साथ जो फ्रेंड हमारे आए थे उनका मूड बन नहीं पाया, ना ही बोटिंग करने का और ना ही एक्वेरियम जाने का। अभी देखते हैं आगे क्या करना है। तो भाई वापस चल रहे हैं। बोटिंग नहीं कर रहे हो? गुड्डू भाई की वजह से बारिश हुई है। अरे गुड्डू चाट भाई, गुड्डू कोई बात नहीं, गुड्डू भाई अपने साथ नहीं पर गुड्डू भाई की यादें अपने साथ हैं। और गुड्डू भाई का नाम मिल गया अपने को, गुड्डू चाट सेंटर। भाई गुड्डू भाई ये अलग से एक्स्ट्रा बिजनेस तुमने खोल लिया, बताया नहीं हमें। गुड्डू भाई जो है ना कल से दूध छोड़ के और यहाँ पर तुझे चाय बेचेंगे, दूध छोड़ के चाय बेचने स्टार्ट कर दिया। गुड्डू भाई का एक ठेला भी है। पहले भाई गोलगप्पे खाते हैं और जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में है। भाई अभी बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। गाइस फिलहाल हमारा एक्वेरियम जाने का प्लान भी लग रहा है कैंसिल हो चुका है और अभी हम सिर्फ और सिर्फ बोटिंग करेंगे। तो गाइस अभी फिलहाल बोटिंग करेंगे, एक्वेरियम शायद नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर लोग बता रहे हैं एक्वेरियम में कुछ खास है नहीं, वो छोटी छोटी मछलियाँ हैं बस एक्वेरियम में रखी हुई है। ये वाली बोट हमने हायर करी है, ये वाली बोट। हिमांशु ऑलरेडी पहले से ही बैठ गया है भाई, इसको भी बोटिंग करने का बहुत शौक है बंदे को। चलो भाई पीछे को जाना थोड़ा। तो गाइस फिलहाल हमारी हम बोटिंग में बैठ चुके हैं और हमारी बोटिंग भाई स्टार्ट होती है यहाँ से और हमें आधे घंटे का टाइम मिला है, तो इसका जो चार्ज है वो 350 रुपये है हाफ एन आवर के लिए। तो फिलहाल अभी हमें 5:15 तक यहाँ पे लौट के आना है। ये रहा एक्वेरियम जो सामने आप देख रहे हैं। अटक गए रास्ते में देख लेना, 5:15 से 5:30 भी हो गए, तो 350 रुपए और चले जाएंगे। अरे नहीं जाएंगे, नहीं। वारंटी के अंदर हमको ये बोट जो बोट मालिक है उसको ले जाकर देनी पड़ेगी। और इंडिया भी तो खूबसूरत है। हाँ अरे भाई इंडिया नहीं लग रहा मुझे, लग रहा मैं स्विट्जरलैंड घूम रहा हूँ, स्विट्जरलैंड। अच्छा अबे हिमांशु हाँ भाई कैसा लग रहा है? सिर्फ ये बंदा जब भी हाथ दिला देता है कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, मजा आ रहा है? अरे बोट ये ट्रेन जा रही है गाइस, ऐसा लग रहा है हम डूब रहे हैं बिल्कुल। अबे गाइस नीचे नहीं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप भीमताल की खूबसूरती, भीमताल कितना खूबसूरत और अमेजिंग ब्यूटीफुल सिटी है। ये देख सकते हैं आप पहाड़ की गोद में बसा हुआ और ये देखो हिमालय पुत्र, सारे हिमालय पुत्र हैं ये, द माउंटेन मैन। भाई सुमित भी काफी एंजॉय कर रहा है और अभी इसके घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि हम लोग भीमताल में हैं। जब ब्लॉग देखेंगे इसके घर वाले तो इसकी क्या हाल होगा, कितनी मार पड़ेगी हमें तो पता नहीं भाई। तो फिलहाल गाइस अभी हम भीमताल झील में हैं और एंजॉय कर रहे हैं और जिंदगी का मजा ले रहे हैं। पहली चीज ये है कि आज ईद भी है, तो ईद की भी आप सबको दिल से मुबारकबाद और ईद पर ही आज हम घूमने आए हैं और एंजॉय करने आए। और ये देखो गाइस ये आ गया एक्वेरियम, ये लोग तो जा नहीं रहे हैं भाई एक्वेरियम में, फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक्वेरियम में अकेले और मेरे पीछे एक्वेरियम है और अभी एक्वेरियम जाएंगे और मछली दिखाएंगे। और ये लोग अभी ये लोग नहीं जा रहे हैं, ये बोट में ही घूमेंगे। चलो बाय बाय। फिलहाल गाइस अभी एक्वेरियम आ चुके हैं। बहुत टैगिंग होती है और यहाँ पर म्यूज़िक बज रहा है तो मैं इसे बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी ऑडियो थोड़ी ख़राब हो रही होगी क्योंकि ऑलरेडी म्यूज़िक बज रहा है। तो यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं, यहाँ 40 प्रकार की मछलियाँ हैं और आप देख ही रहे होंगे।
तो ये जो एक्वेरियम है वो भीमताल में है। इस एक्वेरियम में 40 प्रकार की मछलियाँ हैं। यहाँ का जो टिकट है वो 100 रुपीज पर हेड है। तो मेरे फ्रेंड तो आए नहीं, मैं आ गया अकेले यहाँ देखने। तो फिलहाल मैंने 40 टाइप की जो मछलियाँ थी इस एक्वेरियम में वो सारी आपको दिखा दी हैं। और अब ये काम करते हैं, वापस चलते हैं। हमने जो बोट ली थी वो आधे घंटे की ली थी, तो आधा घंटा होने वाला भी है। तो फिलहाल अभी चलते हैं। देखो गाइस, हमारे जो फ्रेंड हैं वो वहाँ पे अभी भी मस्ती कर रहे हैं बोट में, ये देख सकते हैं। मज़े की बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और हमको बोट अभी हैंडओवर भी करना है जो बोट के ओनर हैं। और ये लोग अभी ऑलरेडी इतना दूर हैं, देखो वो दूर दिख रही है इनकी बोट। और ये अभी यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से हमें वापस जाना है। और पता नहीं टाइम अगर ओवर हो गया तो हो सकता है हम पे एक्स्ट्रा चार्ज भी पड़ जाए। ये देखो गाइस, अभी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये बंदे देखो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। भाई 5 मिनट बचे हैं, जल्दी आ जाओ यार। तो फिलहाल गाइस हमारी बोट आ चुकी है और ये भाई रहे हमारे फ्रेंड। देखो भाई कितनी मस्त लैंड करी इन्होंने। गाइस ये मैं बोटिंग कर रहा हूँ जिंदगी में पहली बार, ये मेरा लाइफ का पहला। भीमताल में मजा आ गया, कुछ भी है जगह बहुत मस्त है। तो गाइस फिलहाल मजा आ गया आज की ट्रिप में। आप भी भीमताल आइए तो बोटिंग का एक्सपीरियंस जरूर लीजिए, साथ ही साथ एक्वेरियम भी जाइए, मछली बहुत अच्छी है। 40 टाइप की मछलियाँ हैं जो देखने में एक अलग ही एक्सपीरियंस आएगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, अभी हम यहाँ से घर जाएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय। मुझे आपको ये सब दिखानी थी, तो मुझे ये आपको ये सारी मुझे ये आप अभी हम यहाँ से घर जाएंगे। इधर काटो, इधर इधर काटो, इधर उधर जा रही है ना, दिखा मुझे दिखा।